मन घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। इस कविता के कवि हैं विकास परिहार और इन्होंने अपनी कविता में बहुत ही अच्छी चीज बताई है। तो आज हम लेसन कर रहे हैं, पूरा एंड तक वीडियो जरूर देखना। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, इसका अर्थ होता है कि जब चारों ओर घना अंधिया अंधकार होता है, उस वक्त प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी अमूल्य होती है और प्रकाश की यह किरण सही मार्ग दिखाती है। कवि यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह अंधकार में ही प्रकाश का असली महत्व समझ में आता है, उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद ही सुख के वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। करते जाओ पाने की मत सोचो, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इसका अर्थ होता है, कवि कहते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि उसके फल पर। कवि यहाँ यह संदेश दे रहा है कि आजीवन कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना ही चाहिए। फल प्राप्त करने के विषय में सोचने से अधिक श्रेयस्कर कर्म करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और यही चीज भगवद गीता में भी बताई गई है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म में ध्यान देना चाहिए, उसके फल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आप कहेंगे क्या फिर फल के बारे में ना सोचें? देखो, पहले जब आप काम करेंगे ना, तो उस वक्त आप सिर्फ काम कर रहे होंगे, अपने काम में फोकस करिए कि कितना अच्छा और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसमें मत फोकस करिए कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा, प्लीज़ पहले काम पे फोकस करिए। जब आपका काम फिनिश हो जाएगा, तब आप बाद में फल का सोच सकते हो। ओके, तो यही चीज़ बोली गई है, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसमें कवि कहते हैं कि यह जीवन एक नाव की भांति है जो समुद्र की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ता रहता है। जीवन की यह नाव जब मझधार में डूबने लगती है, तो उसकी सहायता कौन करेगा? कवि ने यहाँ यह संदेश देने का प्रयास किया है कि व्यक्ति स्वयं व उसके द्वारा किया गया सत्कर्म ही विपरीत परिस्थितियों में उसकी सहायता करता है। अतः जीवन में परोपकार, सद्भावना व सहयोग जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए। देखिए, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज कही गई है जो कि कवि ने भी कहा है और भगवद गीता में भी कहा है कि आप जो भी काम करते हो उसका तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, और आप जो भी काम करते हो उसका रिफ्लेक्शन तो मिलेगा, चाहे आप अच्छे काम करो या फिर बुरे। इसलिए अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपकी कोई हेल्प करेगा, कोई अजनबी ही आके हेल्प करेगा, बिकॉज कि कर्म का एक प्रावधान है कि रिजल्ट तो उसको देना है। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो बुरा रिजल्ट आएगा, फिर आप बोलोगे भगवान ने मेरे साथ ऐसा वैसा किया। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो भी काम करना है, जो भी कर्म करना है, सोच समझ के करना है। कोशिश करिए कि आप अच्छे से अच्छा कर्म करिए, क्योंकि आप जो भी करेंगे आपको वो वापस मिलेगा, वो वापस रिटर्न आपको डबल त्रिबल मिलेगा। तो इसलिए अच्छे कर्म करना ही श्रेयस्कर कहा गया है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अब इसका अर्थ क्या हुआ? कवि कहते हैं कि फागुन माह अपने साथ रंगों का त्यौहार होली लेकर आता है। देखिए, अभी होली भी आने वाला है, 10 तारीख को, 10 मार्च को होली भी आने वाला है। तो यहाँ पे कहा गया है कि फागुन माह अपने साथ रंगों का त्यौहार होली लेकर आता है, जो सभी को खूब भाता है। इस त्यौहार में रंग से नहाकर सभी लोग रंग बिरंगे हो जाते हैं। यहाँ कवि ने होली के त्यौहार के पीछे निहित आपसी प्रेम और व सौहार्द की भावना को उजागर करने व जन जन तक उसे पहुँचाने का प्रयास किया है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इसका अर्थ होता है, कवि कहते हैं कि फूल सदैव कांटों के बीच में रहता है, लेकिन वह अपनी कोमलता व सुगंध को नहीं छोड़ता। कांटों के बीच में घिरे होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती। ऐसा लगता है कि जैसे वह हर पल खिलकर खिलखिलाकर हंसता हो,
हंसता रहा या हंसता ही रहता है। यहाँ कवि यह संदेश दे रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों का आत्मशक्ति व दृढ़ता के साथ सामना करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। दोस्तों, ये लाइन भी भगवद गीता में कही गई है और यही चीज़ आपको इस कविता के माध्यम से दी जा रही है कि विपरीत परिस्थितियाँ आपके लाइफ में, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, जिस तरीके से फूल कांटों के बीच में ही रहता है लेकिन फिर भी वो कोमलता रहता है उसका, पूरी तरीके से कोमल है, उसी तरीके से आपका मल भी, मन जो है वो कोमलता और सुगंध से भरा हुआ रहना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में आप आत्मशक्ति पूर्ण रहना चाहिए, दृढ़ता पूर्ण रहना चाहिए और जो परिस्थितियां हैं उनका आत्मशक्ति और दृढ़ता के साथ सामना करना चाहिए। यही चीज़ भगवद गीता में भी कही है और यही चीज़ जो कवि विकास परिहार हैं इन्होंने भी कही है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि अश्रु निराशा का प्रतीक है, निराशा अश्रु निराशा का प्रतीक है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, आँखों के द्वार से मतलब कि अश्रु आ रहे हैं ना, अश्रु निराशा का प्रतीक है। निराशा, निराश व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के प्रयासों को त्याग कर सिर्फ अश्रु बहाता है। यहाँ कवि यह संदेश देता है कि हार जीत तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए व्यक्ति को पराजय मिलने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपने संकल्प और अथक प्रयास से घोर निराशा को दूर कर सफलता की प्राप्त की जा सकती है। अर्थात आपको निराशा छोड़कर आपको सफलता के प्रयास करने चाहिए, बार बार प्रयास करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यही चीज भगवद गीता में भी कही गई है कि आपको ना ही हाथों की लकीरों पर भरोसा करना है, आपको सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जितना सुंदर आप कर्म करेंगे उतना रिजल्ट आपके लिए ही अच्छा होगा, आप अपना भाग्य खुद बनाएंगे। इसलिए आपको निराश नहीं होना कि आज आप फेल हुए हैं तो आप निराश हो जाएं, नहीं, आप वापस से प्रयास करिए, वापस से प्रयास करिए। खारे जल से धूल गए विषाद मन पावन, इसका लाइन का अर्थ होता है, कवि कहते हैं कि अभिलाषा पूरी ना होने पर बहुत कष्ट होता है, जब वही कष्ट आंसू बनकर फूटता है तो आत्मा ग्लानी और दुख से व्यथित मन शांत व पावन हो जाता है। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि दुख को अपने भीतर स्थान देने के बजाय उसे दूर करने या दूसरों से बांटने का प्रयास करना चाहिए। अब बात यह है कि अगर आप किसी और से बात करते, अगर कोई इंसान से बात कर लिया या किसी से, तो वो तो शेयर कर देगा, दूसरों को बता देगा, है ना, क्योंकि इस किसी के पेट में पचता ही किधर है। तो भाई आप एक काम करिए, मंदिर इसीलिए बनाए गए हैं, जाइए भगवान के सामने, जितना भी दुख है आप भगवान के पास जाइए, उनसे बोलिए, उनसे अपने दुख शेयर करिए, अपने मन को हल्का करिए उनसे बातें करके। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी जीविषा। अब इस लाइन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ कवि ने कहा है, जीवन में असहनीय कष्ट झेलना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी, अर्थात विष पीने की भांति होता है, लेकिन जो अपने कष्टों को झेलकर आगे बढ़ता है, वास्तविकता में उसके भीतर ही जिंदगी जीने की इच्छा होती है। यहाँ कवि यह संदेश देते हैं कि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए, संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यही चीज़ भगवद गीता में भी कही है, देखो हमारे पुराने ग्रंथों में भी यही चीज़ कही है जो कवि जी ने कहा है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, मन में जो पीड़ा है वह बादल बनकर आँखों में छा गई और आँखों से अश्रुओं की वर्षा होने लगी। यहाँ कवि यह बताना चाहते हैं कि अक्सर मन का दुख
आंखों से बहने वाली अश्रुओं की धारा से ही प्रकट होता है। चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन। इसका अर्थ होता है, रेलगाड़ी की पटरियां मौन होकर एक साथ चलती हैं, लेकिन वे कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटती। मतलब यहाँ पे इस कवि जी का कहना है कि जो लोग हमारे शुभचिंतक हैं, वे बिना किसी दिखावे के हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। इसका अर्थ होता है, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। इसका अर्थ होता है, कवि कहते हैं कि आकाश की शोभा सितारों से होती है। यदि सितारे बादलों के पीछे छुप जाएं, तो आकाश सूना हो जाता है, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने कर्मों से समाज का सिरमौर बन जाते हैं। ऐसे लोगों के बगैर समाज का अस्तित्व तो होता है, लेकिन उसकी शोभा कम हो जाती है। अतः हमें अपने सत्कर्मों से समाज का सिरमौर बनने का प्रयास करना चाहिए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इसका अर्थ होता है, जिन गीतों को तुमने अपना स्वर दिया, वे अमर हो गए, अर्थात वे बरसों तक गुनगुनाए जाएंगे। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही अंत में याद किए जाएंगे। यदि कर्म अच्छे होंगे तो हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कर्म के बारे में तो गीता में भी बोला है और यहाँ कवि जी ने भी बोला है, और हमारे जो भी लीडर है, महापुरुष है, आज हम लोग जो उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो हमें बार बार उनका नाम लिया जाता है। वो तो मर गए ना, क्या जरूरत है उनको याद करने की, लेकिन उनके कर्मों के कारण आज वे सदा सदा के लिए अमर हो गए हैं। हमें भी कुछ ऐसे ही कर्म करने चाहिए। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ बहुत ही अच्छा है। मछली सागर में ही रहती है, लेकिन उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। यहाँ कवि यह संदेश देते हैं कि धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी जिनमें संतोष की भावना नहीं है, उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती। देखिए दोस्तों, इस कविता में कवि जी ने बहुत ही, इस कविता के माध्यम से बहुत, इसके पीछे का जो गहरा रहस्य है, जीवन में हमें कैसे जीना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, कुछ अच्छे संस्कार हमें दिए जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको विकास परिहार की ये जो कवि है, कविता है मन, बहुत पसंद आई होगी। मुझे गर्व है कि मैं विकास परिहार की कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको भी पसंद आई है तो इस कविता को शेयर करना। हम लोग कर रहे हैं हमारा सीरीज जो कि 10th स्टैंडर्ड के SSC बोर्ड की बुक है, हिंदी बुक। इसको हम पूरा बुक एक्सप्लेन कर रहे हैं। TY जो भी 10th स्टैंडर्ड के बुक है, ऑल सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे हमारे फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में फिनिश कर रहे हैं। पूरा बुक पढ़ाया जा रहा है, तो क्वेश्चन आंसर भी, उसके सॉल्यूशंस भी, एनी डाउट रिगार्डिंग आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।